जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम आ गई डी ई एफ जी, वेर डी ई, आप देखिए ये डी ई साथ वाले हैं यानी ये साइड आ गई एक 5.5 सेंटीमीटर, और फिर ई एफ यानी ये भी साथ वाले, ये भी साइड है। अब पैरेललोग्राम की टू साइड्स गिवन है, एक 5.5 है और एक 6.5 है, एंड मेयर एंगल ई यानी ई पे जो एंगल बनेगा वो है 60 डिग्री का। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये डी ई ड्रॉ करते हैं जी, ये डी ई 5.5 सेंटीमीटर बन गया, और इसके बाद आपने करना है ये एंगल दिया है ई पे एंगल, अब 60 का ड्रॉ करें आप। ई पे एंगल बनाने के लिए आप इतनी मुनासिब सी कंपास खोल लीजिए और इस तरह से आप ये एक आंख लगाइए सबसे पहले, फिर यहाँ रख के आप ऐसे जब लगाएंगे तो ये आपकी 60 की बन गया है। तो ये एंगल क्योंकि हमने 60 का बनाना था, और इसी को साथ हम ना ये डी से थोड़ी चीटिंग भी कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमारा एंगल ठीक है या गलत है। देखें डी मैंने रखा ना इस पॉइंट पे, तो अब जीरो इधर है, जीरो से काउंट किया तो ये 60 तक छोटा सा निशान लगा लिया जी। ये देखें मैंने 60 पे छोटा सा निशान लगा दिया, अगर आपको ये नज़र आ गया हो तो ये वाला निशान है, ये टीचर को नज़र ना आए, यानी ये जो एंगल हम बनाना चाह रहे थे इधर को 60 का, ये इस डॉट को और उसको मिला देना आपने, तो इस तरह से ये आपका एंगल बन गया 60 डिग्री का। तो अब आपने क्या करना है, इसका नाम आप रख दें लेट, इसका नाम एक्स रख दें, और ये हमारा एंगल वैसे भी ठीक बना था, हमने डी से बना लिया, हमारा कंपास से भी ये एग्जैक्ट सही बना था जी। ये भी बन गई लाइन, ये भी बन गई, 60 का एंगल भी बन गया। अब देखें ई से एफ है 6.5, तो अब हम 6.5 की कंपास खोलेंगे जी, तो क्योंकि एक साइड थी 5.5, दूसरी थी 6.5, तो अब 6.5 की कंपास हमने ऐसे ओपन कर ली और इस तरह से इसको आपने इंटरसेक्ट किया, तो ये एक पॉइंट डी ई और ये वाला पॉइंट हमारा बन गया एफ। और अब आपने करना क्या है, इतनी ही कंपास खुली रहने दें जितनी इधर थी, यहाँ रख के और इस तरह से एक और आँख इधर को लगा दें थोड़ी सी बड़ी करके, और उसके बाद आपने ये जितनी ये है ना 5.5 सेंटीमीटर, इतनी कंपास खोल लेनी है आपने, और इस तरह से ये देखें जी, और आपने एफ पे रख के एक इधर को और आंख लगानी है जो पहले वाली आंख को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, जिसका नाम है ई। अब आपने क्या करना है, सॉरी ई एफ, नहीं, डी ई एफ जी, इसका नाम गलती से रख दे, ई तो पहले था, डी ई एफ जी इसका नाम है, आप जी को ज्वाइन कर दो एफ से भी और डी से भी जी। इस तरह से आपकी पैरेललोग्राम रेडी है इस वक्त, ये 5.5, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली भी 5.5 और ये वाली 6.5 है, तो ये भी 6.5 है। आपको अब अंदाजा हो गया कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसी तरह ये वाली इसके पैरेलल भी है और ये दोनों इक्वल भी हैं, और इसी किस्म का ये क्वेश्चन है आपका, पैरेललोग्राम यू वी डब्ल्यू एक्स विद साइड्स, एक साइड 8 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है यू पे वो है 60 का, तो ये भी आप इसी मेथड से ही ड्रॉ करेंगे।